रही है। तो बाबा देवाधिदेव महादेव कहते हैं ये तीन घड़ी, तीन पल, तीन नक्षत्र, तीन समय, तीन दिन में जो शूल मुझे समर्पित करता है उसके जीवन से मैं शूल हटा देता हूं। वो तीन दिन लिखे स्कंद पुराण। महाराज बैसाख महीने में जो प्रदोष आती है, बैसाख के महीने में, बहुत ध्यान से सुनना भाई, जो अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ गए हो, परेशान हो गए हो, कष्टमय जीवन जी रहे हो, बहुत दुखी हो गए हो, उनके लिए ये स्कंद पुराण का चरित्र फिर मिले ना मिले आप प्रेम से सुन लो। आओ पहला बैसाख महीने की प्रदोष, चाहे वो शनिचरी प्रदोष हो, चाहे रविवार की हो, सोमवार की हो, मंगल की हो, बुधवार की हो, गुरुवार की हो, शुक्रवार की हो, शनिवार की हो, कोई भी वार की हो, पर बैसाख महीने की प्रदोष, प्रदोष काल में शाम का समय सूर्य डूब रहा हो, बस डूबा ही हो, और उस समय पर सूर्य के डूबन के तुरंत बाद बाबा को धतूरे के साथ में बेलपत्री ना चढ़ाते हुए बेलपत्री के वृक्ष के सात कांटे बाबा के शिवलिंग पर समर्पित करे जाते हैं। महाराज अपनी जिंदगी में अड़चनों को हटाने के लिए, फिर आप जिस व्यापार में उतरे, जिस व्यवसाय में उतरे, जिस नौकरी में उतरे, आप दिल से करें, आपको तरक्की मिलेगी। आप हार नहीं सकते, नीचे नहीं आ सकते, उन्नति पर ही चढ़ेंगे। एक वैशाख मास की प्रदोष, दूसरा शिवरात्रि के दिन मध्यान्ह का समय। महाराज जो बड़ी शिवरात्रि होती है माघ की, बड़ी शिवरात्रि के अंतर्गत मध्यान्ह का समय दोपहर के ठीक 12 बजे, चाहे फिर वो कोई भी दिन हो, महाराज शिवरात्रि जिस दिन पड़ रही हो, उस दिन भी धतूरे के साथ बाबा को सात कांटे बेलपत्री के वृक्ष के समर्पित होते हैं। महाराज इसमें आप ये वाले जो कांटे हैं जो शिवरात्रि के दोपहर 12 बजे वाले हैं, अगर कोई मदिरा पीने वाला हो, व्यसन में डूबने वाला हो, कोई जुआ खेलने वाला हो, कोई गलत वैश्यावृत्ति करने वाला, या अपने मार्ग से विचलित कोई व्यक्ति है, उसके लिए भी ये कांटे बहुत काम आते हैं महाराज। दूसरा पार्वती तेरे द्वारा तेरे नयन अश्रु से जो प्रगटा हुआ बेल का वृक्ष है, द्वितीय शूल मैं वहां धारण करता हूं, तृतीय शूल, तीसरा शूल जो वर्णन करा गया। महाराज भगवान श्रावण के महीने में, श्रावण के महीने में जो भी दूसरा सोमवार पड़े, जो भी पड़े, श्रावण के महीने का जो दूसरा सोमवार होता है, उस दूसरे सोमवार में रात्रि के समय पर, अर्थात शास्त्र अब घड़ी और पल का स्मरण करेंगे तो रात्रि के बजेंगे 10 से 12 बजे, मारे 10 से 12 के बीच में धतूरे के साथ बाबा को शूल समर्पित होता है। महाराज ये भी हमारी बाधाओं को, हमारी तकलीफों को, व्यापार व्यवसाय के लिए, नौकरी सर्विस के लिए, बहुत सारे एग्जाम में आप बैठ लिए, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बैठ लिए, नहीं हो रहा, ये तीन बार मेरे शंकर को बेलपत्री के वृक्ष के शूल समर्पित होते हैं, उसका आनंद पाना और उससे अपने को सुख प्राप्त करना। कि बाबा भोलेनाथ जी के नयन अश्रु से जो प्रकट हुआ वो रुद्राक्ष का पौधा है, माता पार्वती के नयन अश्रु से जो प्रकट हुआ वो बेलपत्री का पौधा है, और उमा और महेश, जिस महेश के वंशज हैं महेश्वरी, जिनकी 12 खाम प्रगति है भगवान महेश के द्वारा, वो महेश और उमा
उमा और महेश का जो चरित्र है कि उमा और महेश का जब प्रागट्य हुआ, उमा और महेश जब दोनों आनंद में विभोर होकर जब चलते हैं और दोनों के बैठने से तप मुद्रा से जो पौधा उत्पन्न होता है वो शमी का पौधा है। शमी का पौधा। तो एक बात ध्यान रखिए, शिव जी के द्वारा जो निर्मित हुआ उसमें कोई शूल नहीं है, उसमें कोई कांटे नहीं है। पार्वती के द्वारा जो निर्मित हुआ बेलपत्री का पौधा, उसमें कांटे हैं। और पार्वती के मिलन से भी जो उत्पन्न हुआ है शंकर के साथ में, उसमें भी कांटे हैं। शमी के पौधे में भी कांटे हैं, शमी के वृक्ष में भी कांटे हैं। तो पार्वती जी स्कंद पुराण में एक प्रश्न कर रही है भोलेनाथ जी से कि प्रभु मुझे ये बताओ कि आपके द्वारा जो निर्मित हुआ उसमें शूलता नहीं है, पर मेरे द्वारा जो निर्मित हुआ उसमें शूल क्यों आया है, उसमें कांटा क्यों आया है। थोड़ा सा माताओं, मेरी जीजियों, आपको थोड़ा बुरा तो लगेगा इस प्रसंग को सुनकर, पर लग जाए, पर आज कथा निकली है तो सुन लो है कि शिवजी जिस रुद्राक्ष को उत्पन्न कर रहे हैं उसमें शूलता नहीं है, पर पार्वती जी जो संग में मिली हैं उसमें भी शूलता है, और पार्वती के द्वारा जो प्रकट हुआ बेलपत्र उसमें भी शूलता है। तो भगवान महादेव बोलते हैं, पार्वती मैं तुझे कुछ कहूं और कहने पर तुझे तेरे हृदय में कोई बात चुभे, शूल लगे, तो मुझे ठीक नहीं लगेगा। नहीं नहीं नहीं, आप कहिए प्रभु, मैं सुनने के लिए तैयार हूं, आप तो बोलो कि कारण क्या है। भगवान कहते हैं, पार्वती बस अंतर इतना है, नारी का जो स्वभाव होता है, स्त्री का जो स्वभाव होता है, उसके हृदय में छोटी छोटी बात के शूल बहुत होते हैं। जेठानी ने यह कह दिया, देवरानी ने यह कह दिया, तुम्हारी मम्मी ये बोल दी, तुम्हारे पापा ने यह कह दिया, तुम्हारी बहनों ने यह कह दिया, तुम्हारे भाई ने यह कह दिया, तुम्हारे रिश्तेदार ने यह बोल दिया, ये नारी के भीतर ये शूलता रहती है। तो पार्वती जी बोली कि जितना तप आपने करा उतना तप मैंने करा, और जितनी साधना आपने करी उतनी साधना मैंने करी, और जितना आराधना दिल से आपने करी उतनी आराधना दिल से मैंने करी, फिर इसमें शूलता कहां से आ गई। भगवान शिव बोले, बस पार्वती बात इतनी सी है कि जब मैं आराधना करने बैठता हूं तो मेरी दृष्टि में सम्मुख में कुछ नहीं होता, जब मैं आराधना करने बैठता हूं तो मेरी दृष्टि में मेरे सम्मुख में कुछ कुछ नहीं होता कि कौन ने क्या करा है, कौन ने क्या बोला है, कौन क्या कर रहा है, उससे मुझे मतलब नहीं होता, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। पर पार्वती जब तू आराधना करने भी बैठती है ना, तो तेरी चित्त वृत्ति में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कोई शूल आ ही जाता है। कई माताओं की आदत देखी साहब, भगवान की सेवा करने बैठी है तो भी भीतर थोड़ा सा शूलता भरी हुई है। महाराज बताओ, इतने सारे भगवान इकट्ठे कर लिए, मैंने बोला था बहू से कि वहां रख लेती है, बताओ इतने सारे यहां पर लाकर रख दिए, अब इसकी सेवा करना पड़ रही है, अब ये करना पड़ रहा है। प्रसाद लेने के लिए रसोई घर में गई, भगवान का भोग लगाने के लिए, तो उसमें भी शूलता आ गई। इतने घंटों से मैं सामान ढूंढ रही, फ्रिज में मिल ही नहीं रहा, मैंने रख के गई थी, भगवान जाने कहां चले गए। भगवान को वस्त्र पहना रही है तो शूलता है, अलमारी का ड्रॉज खोला इसमें मैंने सामान रखा था, ना जाने भगवान का श्रृंगार कहां चले गया, कौन ने हाथ लगाया, फिर शूलता आ गई। भोजन करने बैठे तो शूलता है, कोई कार्य के लिए जा रहे हो तो शूलता है, अर्थात कहीं ना कहीं नारी के जीवन में शूलता बनी हुई है। और पार्वती जब तुम भजन करो, तप करो, साधना करो, भक्ति करो, उसमें शूलता नहीं होना चाहिए। पार्वती जी ने कहा, भोलेनाथ तो क्या आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे बेलपत्री के रूप में, क्या मुझे स्वीकार नहीं करेंगे शमीपत्र के रूप में। पद्म पुराण, स्कंद पुराण, लिंग पुराण, नर्मदा पुराण और शिव महापुराण, ये सारी पुराणें वर्णन करती है। पार्वती जी का खंड आनंद वर्षत कर रहा है, वर्णन कर रहा है, पार्वती खंड वर्णन कर रहा है, सती खंड वर्णन कर रहा है, उमा संहिता वर्णन कर रही है,
क्या आप मेरा ये बेलपत्र का स्वरूप आप धारण नहीं करेंगे? इसमें शूलता इसलिए? भगवान कहते हैं नहीं नहीं, धारण तो करूंगा पर शूल धारण नहीं करूंगा। मैं शूल धारण नहीं करूंगा, मतलब बेलपत्री में जो कांटे लगे रहते हैं बेलपत्री की, उस डाली के अंदर जो कांटे शूल रहते हैं, भगवान शिव वो धारण नहीं करते। आप उस बेलपत्री को आप बड़े प्रेम से आनंद से पत्ते को निकाल लीजिए, तोड़ लीजिए, उतार लीजिए और फिर भगवान को वो प्रेम से समर्पित करो तो भगवान स्वीकार करना। पर भोलेनाथ